यूपी बिहार उपचुनाव में बीजेपी को झटका। सीएम डिप्टी सीएम की सीट हार गई बीजेपी। गोरखपुर फूलपुर में एसपी बीएसपी गठबंधन जीता। जीत के बाद अखिलेश और मायावती की मुलाकात। अखिलेश मायावती का गठबंधन क्या 2019 में भी होगा? उपचुनाव नतीजों का 2019 के चुनाव पर क्या पड़ेगा असर? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। जी हाँ, उपचुनावों के नतीजों के बाद अब 2019 को लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या होगा बुआ और बबुआ का गेम प्लान, क्या होगा बीजेपी का गेम प्लान। यूपी के उपचुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद मायावती से मिले अखिलेश यादव बता रहे हैं कि करीब 23 साल बीएसपी और एसपी के प्रमुखों के बीच ये मुलाकात हुई है। 23 साल बाद अब जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक 2019 के लोकसभा पर अभी तक बात नहीं हुई। 2019 में क्या ये दोनों साथ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या उनका गेम प्लान होगा, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई है इन दोनों नेताओं ने। लखनऊ में इसी सफेद गाड़ी में सवार होकर अखिलेश यादव रात में ही बीएसपी प्रमुख मायावती के घर मिलने पहुंचे। मायावती ने खुद अखिलेश की अगवानी की। अखिलेश ने घर में घुसते ही मायावती को गुलदस्ता दिया और प्रणाम बुआ कहा। अखिलेश ने मायावती को जीत की बधाई दी। दोनों की मुलाकात करीब 45 मिनट चली। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अखिलेश और मायावती के बीच 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत नहीं हुई। दोनों के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर बात जरूर हुई। शुरू के 15 मिनट मायावती ने ये बताया कि कैसे गोरखपुर और फूलपुर में बिना गए उन्होंने दलितों और मुसलमानों को ये संदेश दिया कि सपा को वोट देना है। बैठक में अखिलेश ने बताया कि कैसे उनकी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई कि दोनों उम्मीदवारों को कैसे जिताया जाए। एसपी और बीएसपी दोनों को इस बात का डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। मायावती और अखिलेश यादव की बैठक में एक और चेहरा था जो मौजूद था, वो थे संजय सेठ। संजय सेठ राज्यसभा सांसद हैं। उपचुनाव की लड़ाई तो मायावती और अखिलेश ने मिलकर जीत ली है, सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन 2019 के आम चुनाव में भी बनेगा। फिलहाल तो दोनों पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा चुनाव की है। क्या ये जो अब सोशल फोर्सेस यूनाइट हुई है, क्या ये 2019 में भी ऐसे यूनिटी रहेगी या 2019 में राय अलग अलग रहेंगी? आज तो केवल जो दो परिणाम आए हैं उनकी खुशी मनाने का दिन है और तमाम लोगों जिन्होंने सहयोग किया है, जो एक आवाज उठी है, ये हजारों की जीत नहीं है, लाखों लोगों के दिलों से निकला हुआ ये एक एक वोट ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। तो देखिए, बिल्कुल दो धुर विरोधी पार्टियां जो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती थी अब एक साथ हैं। मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात, पिछले कहा यह जाता है कि 23 सालों में होने वाली दोनों पार्टियों के प्रमुखों की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकात हुई कैसे सभी ये भी जानना चाहते हैं। तो देखिए, एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आखिर कैसे इस मुलाकात की योजना बनी। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने पार्टी विधायकों की 5 बजे बैठक बुलाई थी राज्यसभा चुनाव पर। बैठक 6 बजे शुरू हो पाई। बैठक से पहले ही चुनाव में जीत हो चुकी थी और बैठक के लिए आजम खान, सभी बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, ये सभी वहां मौजूद थे। अखिलेश जीत तय होने से पहले ही मायावती से मिलने का इरादा बना चुके थे, इसीलिए राम गोविंद चौधरी को लालजी वर्मा के घर मायावती से मिलने भेजा गया था। विधायकों से बैठक के बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर अपने घर विक्रमादित्य मार्ग पर आ गए। यहां पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की, उनसे राय मशवरा किया, उनसे बातचीत हुई और उसके बाद अखिलेश यादव मायावती के घर जाने का कार्यक्रम जो था उन्होंने बनाया, जो कि पहले से ही तय था। अखिलेश ने दोनों को करीब लाने वाले संजय सेठ को बुलाया और फिर उनके साथ, संजय सेठ के साथ वो मायावती के घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और 45 मिनट तक ये मुलाकात मायावती और अखिलेश यादव के बीच हुई। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि ये संजय सेठ है कौन जिनके साथ अखिलेश यादव मायावती से मिलने पहुंचे, देखिए पूरी कहानी। कल रात में जब ये गाड़ी मायावती के घर के बाहर से निकली तो मीडिया ने इसे घेर लिया। गाड़ी में अखिलेश यादव सवार थे। लाल टोपी पहने अखिलेश करीब 45 मिनट तक मायावती से मुलाकात कर बाहर निकले।
पहले तो खबर थी कि अखिलेश यादव अकेले ही मायावती से मिलने गए, लेकिन बाद में मीडिया को पता चला कि इस घर में हुई मुलाकात का सूत्रधार तो कोई और ही था। वो शख्स बुआ भतीजे की मुलाकात के वक्त अंदर मौजूद भी था और उस व्यक्ति का नाम है संजय सेठ। संजय सेठ की हालिया पहचान राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष की है, लेकिन उन्हें बिल्डर के तौर पर भी जाना जाता है और अखिलेश और मायावती की दोस्ती की जो इमारत बनी है उसे संजय सेठ ने ही बनाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम कामगार पहले ही नोटबंदी के चलते बेरोजगार हो चुके हैं। इस व्यवस्था पर कानूनी मुहर लगाने से मजदूरों की हालत और खराब होगी। गोरखपुर और फूलपुर में जो इतिहास समाजवादी पार्टी ने रचा है उसमें मायावती का बहुत बड़ा हाथ है। बिना बीएसपी के समर्थन के एसपी की नैया पार लगना मुश्किल था। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो अलग अलग धुरी पर खड़े लोगों के बीच संजय सेठ ने पुल का काम किया और उसके बाद जो हुआ उसका गवाह पूरा देश बना है। बिल्डर से राजनेता बने संजय सेठ को मुलायम सिंह यादव के परिवार का काफी करीबी माना जाता है। पिछले साल हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। संजय सेठ की कंपनी शालीमार बिल्डर रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी है। संजय सेठ की कंपनी ने ही मायावती का ये बंगला और इटावा में अखिलेश यादव का घर बनाया है। संजय सेठ को मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का खास माना जाता है। प्रतीक भी रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। 57 साल के संजय सेठ मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले हैं। संजय सेठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। संजय सेठ ने साल 1985 में SAS होटल्स एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। SAS होटल्स एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम बाद में बदलकर शालीमार ग्रुप कर दिया गया। शालीमार ग्रुप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बिल्डर ग्रुप्स में से एक है। संजय सेठ भारत के रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन यानी क्रेडाई के लखनऊ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पेशे से बिल्डर संजय सेठ ने मायावती और अखिलेश की दोस्ती के ईंट के बीच गारे का काम किया है, लेकिन अब यहाँ देखना होगा कि उपचुनाव में सेठ अखिलेश और मायावती को साथ लाने में कामयाब रहे, लेकिन क्या वो बुआ और भतीजे की जोड़ी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक बरकरार रख पाएंगे। लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट्स। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।